नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है, तो लोगों को सख्त सावधान रहने की सलाह दी गई है। क्या खबर रहने वाली है आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट, टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की सलाह, 18 अक्टूबर तक मौसम खराब। हिमाचल में मौसम ने फिर से करवट बदली है। अधिक ऊंची चोटियों पर पिछले 24 घंटे के दौरान बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी है। इस बीच मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज के लिए बर्फबारी और अन्य क्षेत्र में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 18 अक्टूबर तक पहाड़ों पर मौसम खराब बना रहेगा। आज भारी बारिश बर्फबारी हो सकती है, जबकि कल व परसों कुछ एक दो स्थानों पर ही बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। बर्फबारी के बाद प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है, इससे कई क्षेत्रों का पारा जमाव बिंदु के आसपास तक गिर गया है। आने वाले दिनों में तापमान में इससे और ज़्यादा गिरावट आएगी। बता दें कि शिमला के हाटू पीक में भी सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। शिमला के चांसल, हाटू पीक मंडी के शिकारी माता मंदिर के अलावा कांगड़ा मंडी, चंबा, किन्नौर के कई क्षेत्रों में इस बार लगभग एक महीना पहले अर्ली स्नोफॉल हुआ है। टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए यह अच्छा संकेत है। शिमला के चियोग में हाईलैंडर होम स्टे संचालक सोहन ठाकुर ने बताया कि अर्ली स्नोफॉल के बाद बड़ी संख्या में टूरिस्ट के आने की संभावना है। ताजा हिमपात के बाद पर्यटक भी एडवांस बुकिंग के दौरान बर्फबारी को लेकर पूछ रहे हैं। तो प्रमुख रूप से यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 18 अक्टूबर तक मौसम खराब बना रहेगा। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तवीजों द्वारा किया कराया, घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म, गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।